न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का 23 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। किसानों के परिवार में खुशहाली लाने के लिए एक बड़ी योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास। चौरी चौरा पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे ने कहा, अंतर जनपदीय लुटेरा है विनोद कुमार पासवान। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने कैंडल मार्च निकालकर वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। महापौर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर है जनता, शीघ्र निर्णय करे सरकार। शाहपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 मोबाइल लूटरों को 18 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलों के साथ किया गिरफ्तार। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने किया खुलासा। जीरो बजट TLM मेला का किया गया आयोजन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, अनुपयोगी चीजों से कुछ कार्य करने की सीख के उद्देश्य से मेले का किया गया आयोजन। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा विभाग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर RD सिंह के स्मृति व्याख्यान का किया गया आयोजन। शिक्षकों ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश। BSA कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ पुस्तक मेला। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए दी जाएंगी किताबें। NSUI के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा के नेतृत्व में छात्रों ने निकाला जुलूस, सौंपा प्रधानमंत्री के नाम से 3 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन। अल कुरैश कल्याण समिति गोरखपुर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्लॉटर हाउस एवं लाइसेंस नवीकरण के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, जीविकोपार्जन में हो रही है काफी कठिनाई। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी 2019 के ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने DASCB को 73 रनों से हराया।